नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोमा लोक पर। आप हमसे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, 10,000 के करीब पहुंच गए हैं अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या में, और एक एक सब्सक्राइबर हमारा एक मोती की तरह है। इस माला को हम कभी भी छोटा नहीं होने देना चाहेंगे मित्रों। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिना आपको ठगे, बिना आपको मिसगाइड किए, यानी गलत मार्गदर्शन किए बिना आपको सही चीज बताएं, और उसके बाद भी हम कमेंट्स में आपसे पूछते रहते हैं कि आपको लाभ हो रहा है या नहीं। और लाभ नहीं हो रहा तो हम बताते हैं आपको तरकीब कि आप क्या करेंगे आपको लाभ हो। लेकिन हमें खुशी है कि बहुत सारे दर्शकों को हमसे लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ होगा, हम आपको उपाय बताते रहेंगे। मित्रों, आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं अतिसार शमन। अतिसार, आप लोग उसे सामान्य भाषा में दस्तों के नाम से जानते हैं, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। इसका भी उपाय है और आसान सा उपाय है, टोटके समझ लीजिए। ये टोटके क्या है मैं आपको बताता हूँ। शुक्रवार के दिन 3 पंख लेकर किसी भी पात्र में, मेरी राय तांबे के पात्र में, वैसे किसी भी पात्र में, आप स्टील का भी ले सकते हैं, पानी में भिगो दें और फिर उस पात्र को ढककर रात में वो तीनों पंख निकालें और जहां बच्चा सोता हो उसकी बिछावन के नीचे रख दें। अब आपके पास पानी बचेगा, उस पानी को मंदी आंच पर याद रखिएगा, मंदी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि वो पानी उबल कर आधा न रहे। उसके बाद इस पानी को ठंडा करें और ठंडा होने के बाद इस पानी को दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके रोगी को पिलाएं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। पंख तो बच्चे के नीचे ही रखने हैं, बच्चे के बिस्तर के नीचे, लेकिन पानी आप बच्चा हो या बड़ा हो उसे दिन में जितनी बार पिला सकते हैं पिलाएं, दस्तों में लाभ होता है। एक और तरीका है, शनिवार के दिन ये पंख लाइए, कौवे की पीठ के कुछ पंख ले आइए। किसी कौवे को मारने वाला नहीं, बस उसकी पीठ के कुछ पंख ले आइए, पकड़ के चाहे तो ले आए, मिल जाए वैसे तो वैसे ले आए। पीठ के कुछ पंख होने चाहिए, कौवे की पीठ के कुछ पंख लाकर उन्हें स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, साफ करके सुखा लें, उसके बाद उनका चूरा बना लें। चूरा पंखों का बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि पंख रेशेदार होते हैं। उनका चूरा बनाने के लिए बेहतर तरीका यह है कि उन्हें अच्छी तरह सुखाएं और फिर सिलबट्टे से पीस लें तो चूरा बन जाता है। जब वो चूरा बन जाए तो उस चूरे की थोड़ी थोड़ी मात्रा शहद या दूध के साथ देते रहें रोगी को, इससे भी दस्त बंद हो जाते हैं। तो ये दो उपाय थे दस्त दूर करने के। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे अपने परंपरागत विषयों से जुड़ा हुआ और कुछ विषयों से अलग। फिर मिलेंगे, नमस्कार।